हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। ये जो आप लोग नज़ारा देख रहे हैं, ये मॉर्निंग व्यू है मनाली का। और अभी जिस जगह पे हूँ, इसे सिमसा मनाली कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। और मैं आपको 360 व्यू दिखाऊंगा। और अभी मैं यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। आज हो गया है 10 तारीख, ठीक है। और यहाँ पे बर्फ़ अभी नहीं पड़ा हुआ, थोड़ा सा जो पड़ा हुआ है वो पहाड़ों का टॉप पे पड़ा हुआ है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, पहाड़ के सबसे ऊपरी परत पे। तो देखिए, दिखाता हूँ। ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये बर्फ़ की चादरें हैं, थोड़ा सा पड़ा हुआ पहाड़ के ऊपर। और अभी आपको बर्फ़ देखना है तो 4 दिन पहले रोहतांग पास खुल चुका है, वहाँ पे जाना होगा। और वहाँ भी मैं जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा ज़रूर, बर्फ़ की चादर से जो पहाड़ है वो पूरा लपेटा गया है। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे मनाली सिमसा का ये नज़ारा है सुबह का, मॉर्निंग व्यू है। और यहाँ पे जो अभी आप लोग फिर से देखिए, वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये बर्फ़ की चादरें हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ जो एक बार आएगा वो बार बार आने का मन करेगा। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों से सिर्फ घिरा हुआ है। यहाँ पे एक आने के बाद सुकून शांति मिलता है। और ये जितने आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सभी होटल है, ठीक है। यहाँ घर से ज़्यादा आपको होटल ही देखने मिलेंगे। ये सभी होटल और रिजॉर्ट हैं जो कि मनाली में है, और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी नहीं और सस्ते भी नहीं, अच्छे रेट पे सभी अवेलेबल हैं। और ये होटलों का ही ये नज़ारा है जितना आप लोग देख रहे हैं ये सब। और यहाँ पे ज़्यादा वुडन वर्क किया गया है होटल में, क्योंकि यहाँ ठंडी पड़ती है सालों भर, तो वुडन होटल में रहते हैं जिससे ठंडी कम लगे। और ये आप लोग जो पहाड़ देख रहे हैं, पास से भी जाके दिखाऊँगा। यहाँ पर भी जो घर बसे हुए जो लोकल यहाँ पर, वो पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है। और देखिए, ये जितने सारे आप लोग को दिख रहे हैं ये होटल है, ठीक है, होटल है। और हरियाली भी आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर। यहाँ आने के बाद लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं, जन्नत फील कर रहे हैं। और अभी तो बर्फ़ नहीं पड़ी है उतनी ज़्यादा जितनी पड़ी है, मैंने दिखाया पहाड़ों के ऊपर टॉप पे पड़ी हुई है। बर्फ़ वाले भी जगह जाऊँगा, रोहतांग पास जाऊँगा, वहाँ से आपको लाइव दिखाऊँगा। दोस्तों, मई में आप लोग आने सोचे मनाली तो आ सकते हैं, रोहतांग पास खुल चुका है, अभी बर्फ़ देखने मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए भी चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।